स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ प्रीवियस ईयर के बारे में। तो आज का स्टेट है गोवा, सिक्किम और अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, अब देखा जाए, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें तो पहले आपको गोवा में, अंडमान में कट ऑफ कम मिलता था। कम मतलब 50 के अराउंड ही भी कट ऑफ में क्लियर हो जाता था, 50 और 60 के बीच में। तो आजकल क्या है, आपको गोवा का देखेंगे तो 65 टू 70 के बीच में ही कट ऑफ रहता है, ठीक है। गोवा का, अंडमान का भी आपको 65 टू 70 के अराउंड में ही कट ऑफ रहता है, 71 प्लस टू इधर हो सकता है। लेकिन सिक्किम का अगर देखें तो सिक्किम का 70 प्लस ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड जाके देखें, ठीक है। मैंने डिटेल में स्टेट वाइज भी वीडियो बनाया, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ इस पर। तो आप 65 टू 70 रेंज आपको लेके चलना पड़ेगा गोवा और अंडमान में, और सिक्किम में आपको 70 प्लस लेके चलना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो। और इस बार जैसे कि कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं, जैसे RRB क्लर्क में और PO में क्या हुआ कि लगभग 9 लाख होता था हर साल, इस साल 16 लाख के अराउंड पहुँच गया। तो आप समझेंगे तो कितना, 7 लाख लगभग, 5 to 6 लाख कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं। तो कट ऑफ उसमें ऑटोमेटिकली आपको भरना है, तो ये केस आपको इसमें भी मिल सकता है, IBPS क्लर्क में भी आपको ये केस मिलेगा कि कट ऑफ इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन एवरेज मैंने प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको बताया 65 टू 70 गोवा अंडमान का, और सिक्किम का आपको 70 प्लस। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।